हेलो फ्रेंड्स, चलिए सीखते हैं कि विंडोज 7 में बिना किसी थर्ड पार्टी यूटिलिटी को यूज करते हुए हम एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड को कैसे रीसेट कर सकते हैं। जिस टेक्निक को यूज करके हमने विंडोज 8 में एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड को रीसेट किया था, उसी टेक्निक को यहाँ पे भी यूज करके हम विंडोज 7 का पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। लेकिन चलिए इसी काम को हम थोड़ा सा अलग तरीके से करते हैं। तो इसके लिए मैं अपने विंडोज 7 सिस्टम के ऊपर चलता हूँ। तो देखिए, मैं अपने विंडोज 7 वाले सिस्टम के ऊपर आ गया और यहाँ पे मैं इसका पासवर्ड एंटर करने की कोशिश करता हूँ और एंटर की को प्रेस करता हूँ। तो देखिए, पासवर्ड मैं भूल चुका हूँ। या किसी भी कारण से आप इस पासवर्ड को रीसेट करना चाहते हैं, यहाँ पे विंडोज 8 में हमने इंस्टॉलर डीवीडी से अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट करवाया था, लेकिन यहाँ पे मैं ऐसा ना करके इस सिस्टम को डायरेक्टली स्विच ऑफ कर देता हूँ और बिना किसी स्टार्टअप डिस्क या इंस्टॉलर डीवीडी से इसे बूट करवाए भी हम इसका पासवर्ड कैसे रीसेट कर सकते हैं, ये हम अभी सीखते हैं। तो मैं सिस्टम को डायरेक्टली पावर ऑफ करता हूँ। तो डायरेक्टली पावर ऑफ करने के बाद आपके सामने देखिए ये विंडोज एरर रिकवरी स्क्रीन आती है, जिसमें लॉन्च स्टार्टअप रिपेयर ऑप्शन आपके सामने होती है। अगर ऐसी ऑप्शन आपके एक बार सिस्टम को पावर ऑफ करने से ना आए, तो आप एक बार दोबारा से अपने सिस्टम को पावर ऑफ कर लें और इस लॉन्च स्टार्टअप रिपेयर ऑप्शन को यहाँ पे सिलेक्ट करके एंटर की को प्रेस कर दें। इसके बाद आपका विंडोज रिपेयर मोड में स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे मैं आपको एक बात याद करवा दूं कि आप विंडोज 8 वाले तरीके को यूज करके, यानी कि विंडोज 8 इंस्टॉलर डीवीडी से सिस्टम को बूट करवा के उसी तरीके को यूज करते हुए भी यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं। लेकिन उसी काम को करने का एक दूसरा तरीका इस विंडोज 7 वाले रिकवरी ऑप्शन में सीख रहे हैं। तो देखिए, आपका रिपेयर स्टार्ट हो गया है, आपका सिस्टम प्रॉब्लम्स के लिए सर्च कर रहा है और सर्च करने के बाद देखिए आपके सामने ऑप्शन आया है कि डू यू वांट टू रिस्टोर योर कंप्यूटर यूजिंग सिस्टम रिस्टोर। हमें इसे रिस्टोर नहीं करना है क्योंकि हमारा पर्पस एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड को रीसेट करना है। तो मैं इसे यहाँ से कैंसिल बटन को क्लिक करता हूँ। तो इस समय विंडोज रिपेयर करने के लिए ट्राई कर रहा है, तो इसे कुछ समय लगेगा। उतनी देर के लिए मैं वीडियो को पॉज करता हूँ और जैसे ही ये प्रोसेस फिनिश होता है हम वीडियो कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए, लगभग 10 मिनट प्रोसेस चलने के बाद आपके सामने एक मैसेज आया है कि विंडोज इस सिस्टम को ऑटोमेटिकली रिपेयर नहीं कर सकता, इसलिए आप अगर चाहें तो माइक्रोसॉफ्ट को इस प्रॉब्लम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सेंड कर सकते हैं। हमें इस सिस्टम को रिपेयर नहीं करना है, बल्कि इस कंप्यूटर के एडमिनिस्ट्रेटर के पासवर्ड को रीसेट करना है। तो इसके लिए मैं यहाँ से व्यू प्रॉब्लम डिटेल्स को क्लिक करता हूँ और इसके बाद यहाँ पे देखिए बिल्कुल लास्ट में एक फाइल है जो कि टेक्स्ट फॉर्मेट में है और हमें इसे क्लिक करना है ताकि हम नोटपैड को ओपन कर सकें। और इस फाइल में भी हमें कुछ चेंजेस नहीं करने हैं, ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए है फाइल, बल्कि हम इस नोटपैड को यूज करके अपने कंप्यूटर के कुछ फाइल्स को कॉपी और रीनेम करेंगे, जिसकी हेल्प से हम एडमिनिस्ट्रेटर के पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से फाइल को क्लिक करता हूँ और इसके बाद यहाँ से ओपन को क्लिक करता हूँ। तो देखिए, आपके सामने आपका कंप्यूटर सिस्टम फोल्डर आ गया है और आपकी ड्राइव्स आपके सामने हैं। तो जब हम विंडोज को स्टार्टअप डिस्क या बूटेबल डिस्क से बूट करवाते हैं या फिर इस तरीके से हमारा सिस्टम रिपेयर होता है, तो जो वॉल्यूम्स के लेवल्स हैं या ड्राइव्स के लेटर्स हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो हम एक एक को क्लिक करके ये इन्फॉर्मेशन लेंगे कि हमारा विंडोज का फोल्डर किस डिस्क में है या किस वॉल्यूम में है। तो इस केस में देखिए वो ई वॉल्यूम में है। इसी विंडोज के फोल्डर में मैं डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ से सिस्टम 32 को सर्च करता हूँ। तो देखिए, यहाँ पे सिस्टम 32 लिखा आ रहा है, मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ। अब इस सिस्टम 32 में हमें एक फाइल को कॉपी करना है, तो उसके लिए पहले मैं यहाँ से टेक्स्ट डॉक्यूमेंट यानी कि TXT फाइल्स को हटा के ऑल फाइल्स को यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट में से सिलेक्ट करता हूँ और फिर यहाँ से टाइप करता हूँ यूटिल, और उसके बाद देखिए आपके सामने यूटिल मैन या यूटिल MAN जो कि यूटिलिटी मैनेजर है, जिसकी हेल्प से आप ईज ऑफ एक्सेस यानी के ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, नरेटर या ऐसी ही और यूटिलिटीज को यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे इस फाइल को रीनेम कर देते हैं। तो उसके लिए मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ, मान लीजिए यूटिल मैन 1, और इसके बाद मैं यहाँ से CMD को सर्च करता हूँ। तो मैंने टाइप किया CMD, तो अपने आप मेरी स्क्रीन पे आ गया CMD। इस फाइल की हम एक नई कॉपी क्रिएट करते हैं, तो मैं यहाँ से इसे राइट क्लिक करके कॉपी को सिलेक्ट करता हूँ और यहीं पे ही इसे पेस्ट कर देता हूँ। तो देखिए, CMD कॉपी हमारे सामने, इस कमांड को यूज करके हम कमांड प्रॉम्प्ट को यूज कर सकते हैं। मैं इस फाइल को रीनेम करता हूँ और इसका नाम हम रखते हैं यूटिल MAN, यानी के जैसे ही यूटिलिटी मैनेजर को ओपन किया जाए तो उसकी जगह पे आपका कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाए।
तो यहाँ से यूटिल मैन इसका नाम देने के बाद यानी कि इसे रीनेम करने के बाद मैं कहीं पे भी क्लिक करता हूँ तो अब अगर कहीं से भी यूटिलिटी मैनेजर को ओपन किया जाएगा यानी कि ईज ऑफ एक्सेस को तो उसकी जगह पे सीएमडी यानी कि कमांड प्रॉम्प्ट आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे आप एक बात का ध्यान रखिए कि हमने कोई भी फाइल को डिलीट नहीं किया है, ओरिजिनल यूटिल मैन को हमने रीनेम कर दिया है ताकि हम बाद में उसको दोबारा से रिस्टोर कर सकें और इस यूटिल मैन को हम अपना काम होने के बाद डिलीट कर देंगे। तो मैं यहाँ से कैंसिल बटन को क्लिक करता हूँ, इसे भी क्रॉस करते हैं, इस सिस्टम को रिस्टार्ट करके और इसे नॉर्मली बूट करवा के ये चेक करते हैं कि क्या जो हमने टेक्निक यूज की है वो वर्क कर रही है या नहीं। तो इसके लिए मैं इसे क्रॉस करके सिस्टम को एक बार रिस्टार्ट करता हूँ। तो देखिए मेरा विंडोज 7 सिस्टम नॉर्मली बूट कर गया है और बूट करने के बाद यहाँ पे लेफ्ट कॉर्नर पे देखिए ईज ऑफ एक्सेस होता है जिसे क्लिक करने से हमारा ऑन स्क्रीन कीबोर्ड या इसी तरह के और टूल्स ओपन हो जाते हैं। ये बटन यूटिलिटी मैनेजर या उसी कमांड यूटिल man.exe को यूज करता है जिसे अभी अभी हमने रीनेम किया है, यानी कि इसे क्लिक करने से अगर हमारा सारा प्रोसेस प्रॉपरली वर्क कर रहा हुआ तो कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाना चाहिए। तो मैं इसे क्लिक करके देखता हूँ और देखिए ऐसा करते ही आपके सामने विंडोज 8 का कमांड प्रॉम्प्ट आ गया है, लेकिन देखिए यहाँ पे इस बार यूटिलिटी का नाम utilm.exe है क्योंकि ये बटन इसी फाइल को यूज करता है और हमने यूटिलिटी मैनेजर को रीनेम कर दिया और उसकी जगह कमांड प्रॉम्प्ट exe को utilman.exe फाइल का नाम दे दिया। यहाँ पे हम कंट्रोल स्पेस यूजर पासवर्ड 2 कमांड को भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम एक और कमांड का यूज देखते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पे एक कमांड लिखता हूँ नेट स्पेस यूजर और एंटर की को प्रेस करता हूँ। तो ऐसा करते ही जितने भी यूजर्स मेरे इस विंडोज 7 सिस्टम पे होंगे वो आपके सामने आ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारे क्लाइंट 1 का नाम भी आ रहा है, तो इसी कमांड को यूज करते हुए मैं यहाँ पे लिखता हूँ client क्लाइंट 1 और इसके बाद मैं स्टार या एस्ट्रिक्स को टाइप करके एंटर की को प्रेस करता हूँ। ऐसा करते ही देखिए मेरे से इस क्लाइंट 1 यूजर का नया पासवर्ड पूछा जा रहा है। अगर आप इसका पासवर्ड रीसेट करना चाहते हैं तो आप नया पासवर्ड यहाँ टाइप कर सकते हैं। मैं इसे ब्लैंक सेट कर देता हूँ यानी कि बिना कुछ टाइप किए एंटर की को प्रेस करता हूँ। आपसे रीटाइप करने के लिए कहा जा रहा है, अगेन कुछ भी टाइप नहीं करता और एंटर की को प्रेस कर देता हूँ। इसका मतलब हमने क्लाइंट 1 का जो भी पासवर्ड था उसे रिमूव कर दिया है और अब हम बिना पासवर्ड के इस क्लाइंट 1 नाम के यूजर से जो कि एडमिनिस्ट्रेटर यूजर है इस विंडोज 7 सिस्टम में लॉगिन कर सकते हैं। तो इसे बंद करके जरा इसको चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे किसी भी पासवर्ड को अब मैं एंटर किए बिना एंटर की को प्रेस करता हूँ और ऐसा करते ही देखिए हमारा विंडोज 7 सिस्टम पे क्लाइंट 1 लॉगिन कर गया है, यानी कि हमने इसका एक्सेस एडमिनिस्ट्रेटर के पासवर्ड को रीसेट करके जो कि इस केस में हमने ब्लैंक पासवर्ड रखा है कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन टाइम, चलिए आप मुझे क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आप मुझे बताइए कि विंडोज 7 के एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड को रीसेट करने के लिए इस वीडियो में हमने किस यूटिलिटी को रीनेम किया था। आपकी ऑप्शंस हैं ए dnscmd.exe, बी utilman.exe या फिर सी date.exe। आप इस क्वेश्चन का आंसर नेक्स्ट 15 सेकंड्स में नीचे कमेंट्स में जरूर टाइप करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक बटन को प्रेस करना ना भूलें और नए वीडियोस की इन्फॉर्मेशन अपने मेल बॉक्स में पाने के लिए चैनल पे सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।